क्या जरूरत है हमसे कुछ पूछने की या हमें कुछ बताने की? अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो ना, अपने फैसले खुद ले सकती हो। अब छोटे काकूसा का क्या काम? क्या तुम्हें पता तुम क्या करने जा रही हो? पता भी है तुम्हें? अरे मैंने कहा था ना, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपने काकूसा पे भरोसा नहीं रहा क्या तुम्हें? नहीं काकूसा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्या हुआ, आप बिट्टू पर इतना क्यों चिल्ला रहे? चिल्लाऊंगी तो क्या करूं, उसने काम ही ऐसा किया। क्या हुआ? ये लड़की उस गुंडे के साथ शादी के लिए हाँ कह के आई है। बिट्टू तू? तुम्हें नहीं बताया इसने? तुम्हें भी नहीं बताया? हम में से किसी को नहीं बताया इसने? वहां पर वो गुंडा इस पर चिल्लाता रहा कि इसकी जिंदगी हराम कर देगा, और ये सर झुकाकर सब कुछ सुनती रही। अरे मैं तो उसे समझा भी नहीं पाया, अब तुम लोग कोशिश करके देख लो। देवी सब क्या है, क्यों अपने आप को जानबूझकर उस नरक में भेज रही हो? दो दिन बाद वो शादी के लिए बोल के गया है, वो क्या करेगा? और आप देखिए ना, वो हमारी देवी के साथ। आप सब प्लीज परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए। क्या सुने? सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा अभी। एक मिनट छोटे काकूसा, मैंने ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लिया है, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। वो ऐसा ये शादी के लिए मैंने हाँ कही है, पर बहुत बड़ा मकसद था उसके पीछे। अब शगुन तुम्हारे को भी चाहिए, ताकि मारे इरादों में भी मारी जीत हो। तो चलो लगा दो हल्दी। मारी जूती पे अब अगर ब्याह हमारी जूती से हो रहा है, तो फिर हल्दी भी तुम्हारी जूती पे लगेगी ना। ये करिए जा लगा हल्दी अधिराज की जूती ने।